हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। और आज मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको नेट्स में पर्पसफुल प्रैक्टिस कैसे किया जाए। जब नेट्स में बैटिंग करने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, अब समझ लीजिए कल आपकी मैच है, कल मैच है, अगर आने वाली मैच है हफ्ते भर में तो कौन सी मैच खेलने वाले हैं आप, टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, 2020 खेलने वाले हैं, वनडे खेलने वाले। तो मैं आज ओपनर के हिसाब से बताऊँगा आपको, ओपनर के हिसाब से, वनडे के हिसाब से। आज वनडे मेरी वनडे मैच है समझ के बताऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं विकेट पे थोड़े से गड्ढे हुए हैं, तो विकेट सीमेंट विकेट पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। तो बॉलर्स को भी जो पूछूंगा मैं वनडे की फील्ड पूछूंगा और वनडे के हिसाब से खेलूँगा ओपनर के हिसाब से। सेम फील्ड है तेरी 5-4, नहीं दो ही फील्डर बाहर है, पहले समझ ले। तो कौन कौन से दो बाहर है, दो बाहर है बस, एक पहले इधर से बता, स्लीप सेकंड, थर्ड मैन पॉइंट स्वीपर, इधर कपस 4, मिड ऑन 5, और इधर कोई बाहर नहीं है, दो ही बाहर है। पावर प्ले शुरू है, थर्ड मैन भी बोला ना तूने, ऊपर क्या, तो थर्ड मैन कहाँ लगाया है तूने, तो शॉर्ट थर्ड लगाया, स्लिप भी लगाया, शॉर्ट थर्ड भी लगाया, ऐसे थोड़ी फील्ड रहता है। फर्स्ट स्लिप लगाया क्या, फर्स्ट स्लिप और शॉर्ट थर्ड और पॉइंट ऐसी नहीं रहती पर फील्ड। अगर देखो थर्ड मैन खाली करना है तो देखो दो स्लिप लगा ले, शॉर्ट थर्ड थोड़ी लगाता है कोई, एक शॉर्ट थर्ड और गली कर सकता है, ठीक है, सेकंड है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है जैसे। और लेग साइड में कौन कौन है, मिड ऑन, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, फाइन लेग, और एक, तीन ही पता है, और एक बताना पड़ेगा। इधर 5 मिलो, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे कि बॉलर ने 6-3 की फील्ड लगाई है तो ये अंदाजा आपको लगाना है कि क्या हिसाब से डालेंगे। बॉलर डाल रहा है राउंड ही डाल रहा है, मुझे पहले से ही राउंड ही डाल रहा है, तो ये चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है। आप जैसे आप ओपनिंग कर रहे हैं तो ओपनिंग में क्या फील्ड प्लेसमेंट ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा वार्म अप बॉडी, पहले गियर पकड़े, पैर पहले निकलेंगे नहीं तो बार-बार आपको ध्यान रखना है कि कहाँ का बॉल खेलना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टांस कहाँ का लिया, पहले स्टांस मिडल गार्ड का लिया है, जैसे मैंने मिडल गार्ड का लिया है, मिडल गार्ड का देखना है और पहला बॉल पूरा फोकस से खेलना है, पहले वनडे में भी थोड़ा टाइम लेके खेलना है। बोलते रहना है, फील लेते रहना है, वो अच्छे से हुआ रहना चाहिए, पर्पस। डॉट सी डॉट ना ध्यान रखना है, सिंगल कब हो सकता है, फील्ड क्या रखी है उसने, पहले से ही स्वीपर पीछे रखा है। होगा डॉट, हाँ ये एक तो डॉट हो जाएगा, नहीं तो चौका होगा, अगर कवर्स के हाथ के बाजू से गया तो गैप में चौका हो जाएगा। ये नेट्स में अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, अपने को बस मेरिट पे खेलना है। ये सिंगल है, अलर्ट रहना है, सिंगल बॉडी खोलते रहना है, नेट्स में पर्पस दिखने को ना, सिर्फ कुछ भी नेट्स कर रहे हैं वैसे नहीं लगने को ना। ये
कुछ भी हो सकता है यार, ये नेट्स सीमेंट विकेट है, बॉल विकेट फूटा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के केयरफुल अंदाज़ा लगाना है कि डिफ़िकल्ट विकेट है और इस पर अपने को सर्वाइव करना है। लेफ्ट विकेट पे कुछ गड्ढे रहे तो ये हटाने हैं, कुछ जो भी कचरा वचरा है हटाना है। और ओपनर को ही सबसे अच्छा अंदाज़ा आता है कि वो विकेट पे अच्छा स्कोर कैसे रह सकता है, चैलेंजिंग विकेट है तो कितना अच्छा स्कोर रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले से डिसाइड करके 100 बनाने हैं या ऐसा नहीं। चौका, हाँ तो फाइनल किधर रहता ना, नहीं नहीं दो दो रन है ही है, चौका भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनल तेरा अगर फिर उस दिन वाला चौका था ये। ठीक है, मिड विकेट के बीच में से है ना, पर मिड विकेट इधर ये बीच में से एकदम स्क्वायर लेग के तरफ गया था। इतना आज के लेवल में इतना फाइन कोई नहीं रखता है, वो रखता स्क्वायर अंपायर के वो साइड है वो उधर। जैसे अभी ध्यान रखना है कि बॉलर को कितना अंदाजा है अपने फील्ड प्लेसमेंट का, विकेट अपने बॉलिंग का, ये सब अंदाजा लेने हैं। पहले दो ओवर अंदाजा लेना है आपको। बॉलर बहुत जल्दी बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, रीडिंग करना है हर फील्ड प्लेसमेंट, कौन सा कहाँ का फील्डर कैसा है, लेफ्टी है राइटी है, हर चीज़ का आपको अंदाज़ा लेना है। मैं मारने वाला था ये बॉल को, रोक दिया टाइम, ये अंदाज़ा लेना है कि दूर रह गया तो मार छोड़ देना है, छोड़ देना है, नीचे से खेल देना है। अब जैसे ये बॉल थर्ड मैन की तरफ गया तो सिंगल हो सकता है, इसने थर्ड मैन रखा नहीं है तो चौका भी हो सकता है, हल्के से रख दिया बस, क्या होगा डॉट, गली और स्लीप के बीच में से नहीं जाएगा वो। वॉच द बॉल, वॉच द बॉल, सेल्फ टॉक जरूरी है, अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो बहुत फोकस करना है, वॉच द बॉल, वॉच द बॉल बार बार बोलना है अपने को, सबके अपने अपने कुछ रहते हैं बोलने के स्टाइल्स। चौका है पर लेग बाइस का सिंगल, पैन नहीं निकल रहा है इसलिए बैट फेंक नहीं रहा, जब आपके पैन नहीं निकल रहे तो बॉल को अपने तरफ आन दीजिए, बॉल को अपने तरफ आन देंगे तो इजी रहे। जैसे दूसरा बॉलर जुड़ चुका है तो ध्यान रखना कि एक बॉलर अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो रन अपने को दूसरे बॉल पे भी मिलेंगे, एकदम घाई नहीं करना। सिंगल, तो ये ध्यान रखना है कि बॉलर अपने को चूज करना है कि कौन से बॉलर पे अपन रन बना सकते कौन से नहीं बना सकते। सिंगल, हाँ हाँ ठीक है, एक स्पेल अच्छे से निकाल लिया है, जो अच्छा टफ बॉलर है उसका स्पेल निकाल लिया, देखना है कि किसको अपन मार सकते हैं। विकेट का अंदाज़ा लेना है, विकेट जैसे सीमेंट विकेट है तो सीमेंट विकेट पे थोड़ा सा बॉल निकलेगा, मैच में जो टफ विकेट है तो कौन से शॉट्स खेल सकते हैं उस पर कौन से नहीं खेल सकते, पाटा विकेट है ड्राई विकेट है, ये अंदाज़ा आपको लेना है, क्योंकि आप ओपनर हो तो ओपनर को अंदाज़ा जल्दी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता ना, कोई ऑलरेडी उस पर खेला नहीं है।
तो वो रीडिंग बहुत अच्छा चाहिए, विकेट का पिच का रीडिंग बहुत अच्छा चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसी उस अकॉर्डिंग वहाँ के शॉट्स, वो विकेट पे कौन से शॉट्स खेल सकते हैं, कौन से नहीं खेल सकते। लंबा खेलने की आदत डालना है, ओपनर है, वनडे में भी बहुत रन बनते हैं। पहले का स्ट्राइक रेट ज़रूरी नहीं ज़्यादा रहने को होना, बाद में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक रेट बढ़ता है। शॉर्ट बॉल डाल दिया तो गैप में चौका हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का अंदाजा देना है कि पावर नहीं यूज़ किया मैंने, सिर्फ पंच करने की कोशिश किया। और पहले चौके आते ही है, गैप रहती है, तुम सिर्फ ट्राई करो कि जस्ट खेलते रहो बॉल के मेरिट पे, ज़्यादा कुछ करने मत जाओ, बाद में बहुत रन आते हैं सेट होने के बाद। यही कुछ चीज़ थी गाइस आपको कैमरे के लिए बोलूँ तो, आई होप ये कुछ मदद आई होंगी आपको। इस पर आप वर्क कीजिए, माइंडसेट और पर्पस के साथ जाइए नेट्स में। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।